नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आपका एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का शीर्षक है थायराइड डिसफंक्शन और इसमें आज हम मूलभूत रूप से चर्चा करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल थायराइड डिसफंक्शन की जो केसेस हैं वो आबादी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और मूलभूत रूप से इसके जो मेन विक्टिम्स होते हैं वो महिलाएं होती हैं, पर पुरुषों के अंदर भी आज ये काफी फ्रिक्वेंटली पाया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा हमारे मेरे आम व्यूअर्स के लिए कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारा एंडोक्राइनोलॉजिकल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो हमारे एंडोक्राइनोलॉजिकल एक्सिस में यहाँ पे बीच में पाई जाती है। वो हमारे थ्रॉट के एरिया में ट्रेकिया का जो कार्टिलेज है उसके ऊपर लिपटी हुई एक ग्रंथि होती है। ये हमारे शरीर के काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो तीन जो हार्मोन निकलते हैं वो होते हैं T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ये थायराइड के अलावा हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को भी स्टेबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो T3 T4 हैं वो हार्मोन बेसिकली हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब कि जो हम खाना लेते हैं, हमारा शरीर एक इंजन की तरह है। जिस तरह से एक इंजन के अंदर कार्बोरेटर से ऑक्सीजन आती है और फ्यूल टैंक से फ्यूल आता है और वो उसको जलाता है, तो उसके जलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि उस गाड़ी का एवरेज क्या निकलेगा। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो हमें जिंदा रहने के लिए हम जो खाना लेते हैं वो बेसिकली उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन होते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो हमारे दो प्रकार के फ्यूल हैं उनको बॉडी के अंदर किस रेट के ऊपर उसका कम्बस्चन होना चाहिए ये थायराइड ग्लैंड के T3 एंड T4 हार्मोन डिसाइड करते हैं। सो थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी। अब ये कॉमन सेंस है कि अगर इंजन के अंदर कंबशन चीजों का प्रॉपर नहीं होगा तो उससे धुआं निकलेगा। उसी तरह से जब हमारी बॉडी के अंदर चीजों का कंबशन थायराइड हार्मोन की डिक्रीज्ड लेवल के कारण जब कम होगा तो हमारी बॉडी के अंदर धुआं नहीं निकलेगा। हमारी बॉडी के अंदर धुआं क्या है? धुआं है जो द स्मोक फ्रॉम द एनी इंजन इज द इंडिकेशन दैट द कंबस्चन ऑफ द फ्यूल एंड द अदर थिंग्स इज नॉट हैपनिंग वेरी प्रॉपरली। इन द सेम वे जब हमारे अंदर चीजों का कंबस्चन प्रॉपरली नहीं होता है तो बॉडी उन चीजों को अक्यूमुलेट करने लगती है। जैसा कि हाइपोथायराइड के अंदर हम लोग इस पे बेसिकली हाइपोथायराइड के ऊपर हम अपना ध्यान देंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाने वाला प्रॉब्लम है। तो हाइपोथायराइड के केस के अंदर जब हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है तो बॉडी स्पेशली फैट और प्रोटीन वगैरह को कंबस्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण पेशेंट का ओवरवेट होने लगता है। वहीं पे इसके विपरीत ज्यादा अच्छे से समझने को हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट के अंदर जहां पे T3 T4 हार्मोन नॉर्मल पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल लेवल से ऊपर है, ज्यादा निकल रहे हैं, उसके अंदर उन चीजों का इतना तेजी से कंबस्चन होता है कि उस कंबस्चन के दौरान उसका खाया हुआ खाना से लेकर उसका शरीर तक उसके अंदर जला हुआ दिखता है। जला हुआ इन द सेंस दुबला पतला कि उसका पूरा का पूरा बॉडी का जो फैट है उसको उसका हाइपरथायरॉयडिज्म जला देता है। एंड दैट इज द मेन रीजन कि हाइपरथायरॉयड पेशेंट इज ऑलवेज लीन एंड थिन इन हिज लुक एंड अपीयरेंस। तो जो थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म है वो इन दिनों आबादी के अंदर बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, दोनों सेक्स में पाया जा रहा है, मूलभूत रूप से महिलाओं के अंदर। और इसके अंदर ये हर एक सेक्स एज हर एक सेक्स में और स्पेशली महिलाओं में और हर एक एज ग्रुप में पाया जा रहा है। ये पुरुषों को भी काफी हद तक इन दिनों अफेक्ट कर रहा है, पर जो एक मैंने चीज देखी है कि पुरुषों के अंदर जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो असिम्टोमेटिक होता है, उनके बस बायोमेट्रिक्स बिगड़े हुए रहते हैं, उनकी रिपोर्ट के अंदर चेंजेस दिखते हैं, पर उसके जो सिम्टम्स बेसिकली जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे के सारे जो है क्लिनिकल रूप से महिलाओं के अंदर ही देखने में आते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम की। इसके साइन एंड सिम्टम क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म का जो इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम है वो है, अब क्या ये बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है क्योंकि थायरॉयड हार्मोन की कमी है। इसकी वजह से जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम हैं वो सब के सब इसके प्रभाव में, इसके इफेक्ट में आते हैं।
और सबके अंदर क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है तो सब स्लो काम करने लगते हैं, जैसे कि माइंड का स्लो काम करना, माइंड के स्लो काम करने की वजह से इनको एक प्रकार का मेंटल लिथार्जी बनी रहती है, मानसिक रूप से थके हुए दिखते हैं हमेशा, जबकि इनने करा कुछ नहीं है पर ये मानसिक रूप से थके हुए हैं। इनका डाइजेशन पुअर होता है क्योंकि बीएमआर कम होने के कारण वो इनके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, तो इनका इनडाइजेशन की समस्या होती है जिसके अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली इनके अंदर एसिडिटी और फ्लेचुलेंस वगैरह की प्रॉब्लम हम देखते हैं। अब क्योंकि आंतों की चाल स्लो हो गई है, थायराइड हार्मोन के कम होने के प्रभाव में, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट के कम होने के प्रभाव में, तो इनकी आंतों की चाल स्लो हो जाती है। दैट इज वाई दे आर द वेरी फ्रिक्वेंटली दे आर द विक्टिम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। और इसी तरह से क्योंकि थायराइड हार्मोन का जो काम है वो जो मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता देता हूँ, और यहाँ पे मैं उसका आप अगर चाहें तो मैं इसका ऊपर कार्ड दे दूंगा, इसके कार्ड से जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं जो पीसीओडी में था और हार्मोनल इम्बेलेंस में था, कि थायराइड का सिर्फ बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट में काम नहीं होता है, महिलाओं के अंदर थायराइड कहीं ना कहीं वेल बीइंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड दिस इज द मेन रीजन कि हाइपोथायराइड अगर महिला है और वो ओवरवेट है तो उनके अंदर कंसेप्शन की प्रॉब्लम होती है, कंसेप्शन जो होता है वो कंसीव करना डिफिकल्ट होता है, मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसी तरह से बॉडी के अंदर क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी का टोटल कम हो गया है तो बॉडी के अंदर एक प्रकार की लिथार्जी, एक थकान हमेशा बनी रहेगी। उसी तरह से थायराइड का जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर जो असर होता है, खासकर महिलाओं में, कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की इररेगुलरिटीज होती हैं, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ स्केंटी मेंसेस एंड डिलेड मेंसेस, विच इज येट अनदर सिम्टम ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म। और जो सबसे कॉमन कंप्लेंट लेके हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जिनको हम तुरंत पहचान सकते हैं, तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कंप्लेंट जो होती है कि ये लोग आपको मोटे दिखेंगे, इनके मेंसेस इररेगुलर दिखेंगे, ये लोग आपको एक कंप्लेंट करेंगे कि इनकी पूरी बॉडी के अंदर एक प्रकार की थकान है, एक प्रकार का हल्का सा दर्द है, इनको हमेशा लेटे रहने की इच्छा होती है, ये घर के जरूरी काम करने के बाद इनको जैसे ही मौका मिलता है ये तुरंत लेटना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये रहा पूरा हाइपोथायरॉयडिज्म का पूरा का पूरा चित्रण। एक्चुअली थायराइड के ऊपर थायराइड डिसफंक्शन और उसका कारण, इसके ऊपर में बहुत ही विस्तृत वीडियो में कुछ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए मैं उसके बाद बनाने वाला हूँ, तो इसलिए इसके अंदर मैं इस वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, अब इसके अंदर इसका ट्रीटमेंट क्या हो, तो जैसा कि आप सब जानते हैं एलोपैथी में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसके अंदर HRT ट्रीटमेंट चलता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो दे प्रिस्क्राइब इन द हाइपोथायरॉयडिज्म द सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ द थायरॉक्सिन, और वो जो है वो गोली जो है वो 25 mg से 250 mg के बीच में एज पर द रिक्वायरमेंट, जितना भी बिगड़ा हुआ थायराइड है उसको वो देना पड़ता है। और ये जो गोली है जनरली एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स का ये वर्डिक्ट है कि ये इनको जिंदगी भर खाना पड़ेगी, ताउम्र खाना पड़ेगी। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे आते हैं, तो दोस्तों होम्योपैथी के अंदर थायराइड का बहुत सटीक इलाज है, मेरे पास इसके सारे सबूत हैं जो मैंने लोगों का थायराइड को पलटाया है, जीरो करा है, जीरो इन द सेंस उनको जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज में उनका TSH हम लेके आ गए हैं, और इसके ऊपर मेरा रिसर्च भी चल रहा है, और ये रिसर्च भी मैं आगे आप लोगों के साथ सारे सबूतों के साथ शेयर करूंगा। तो प्रैक्टिशनर्स के लिए बता दूं कि इसके अंदर कौन सी मेडिसिन जनरली दी जाती है, थूजा सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, क्योंकि थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ साइकोटिक डिजीज, ये साइकोटिक कैरेक्टर का बीमारी है। थायरोडिनम जो हमारा होम्योपैथिक, इसके अंदर सार्कोट बनता है थायरॉइड ग्लैंड का, ये सार्कोट है, इट इज नॉट नोसो, वो है लेपिस एल्बस है, कल्केरिया कार्ब है, कल्केरिया फॉस है, पल्सेटिला है, सीपिया है। सीपिया किस केस में, जनरली थायरॉइड का जो ओरिजिनेशन होता है वो पेशेंट के स्टेटमेंट में उसके पहली डिलीवरी या पहली प्रेगनेंसी के बाद से देखने में आता है, तो इन दैट केस आफ्टर पार्चुरेशन सीपिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन। और इसके अलावा मित्रों और कई सारी मेडिसिन होती हैं जो थायराइड के ऊपर यहाँ काम करती हैं। यहाँ पे मेरा ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और कोई भी व्यूअर को ये मेडिसिन अपने बलबूते पे नहीं लेना है अनलेस अंटिल ही इज प्रिस्क्राइब्ड बाय सम रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं,
और थायराइड डिसफंक्शन का डिटेल्ड वीडियो और इसका कारण मैं दुनिया के सामने रखूंगा अपने आने वाले वीडियो में। तो अभी के लिए नमस्कार। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आप भविष्य आने वाले फ्यूचर में आप किस बारे में कौन से वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। नमस्कार।